हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम गाइस। इस रीडिंग में चेक करेंगे क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच, सिचुएशन क्या है, और जो आपका रिश्ता है, रिलेशनशिप किस ओर जा रहा है, किस डायरेक्शन में है, यही चेक करेंगे। रीडिंग का टॉपिक यही है, आपका जो कनेक्शन है किस ओर जा रहा है, किस डायरेक्शन में है राइट नाउ, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए इस रीडिंग के थ्रू, क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, यही चेक करेंगे। ओके, ऑल साइंस रीडिंग है, आप सबके लिए है, और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, अगर आपसे मैच हो रही है बिल्कुल रीडिंग आपके लिए बनी है, नहीं हो रही है तो इट्स ओके गाइस, चलो रीडिंग है, ठीक है। क्या है आप दोनों का सिचुएशन अभी इस वक्त, सिचुएशन क्या है आपका आपके पर्सन के साथ, साइलेंस, खामोशियां हैं, नो कांटेक्ट में हूँ, बातचीत बिल्कुल बंद है, साइलेंट हो चुके हो आप दोनों। ओके, बातचीत हो भी रही है तो खामोशियां काफ़ी ज़्यादा है, जिस वे में होना चाहिए, जैसे पहले होता था वैसा नहीं रहा, आप दोनों के बीच में खामोशियाँ काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ। ओके, हो सकता है यहाँ पर कोई एक पर्सन इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को बर्डन की तरह ले रहा है। ओके, या प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, डाउटफुल एनर्जी है, समझ नहीं आ रहा है कि किस, ये जो कनेक्शन है किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस ओर जा रहा है, क्योंकि खामोशियाँ काफ़ी ज़्यादा है, कभी हेल्दी गुड कम्युनिकेशन नहीं हो रही है आप दोनों के बीच, थर्ड पार्टी इशू है, कोई एक पर्सन या कोई एक पर्सन की लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो कि कोई और डायरेक्शन, कोई और दिशा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, उस रास्ते में चलना नहीं चाहते, फिर भी उनका बात मानते जा रहे हैं, तो या ऐसा कर रहे हो या तो आपकी पर्सन की एनर्जी है ये। ओके, तो आप दोनों के बीच मुझे खामोशियाँ दिखाई दे रही है। आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या क्या सोचते हैं पर्सन आपके बारे में, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है इनका थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या है, एग्जिस्टेंस। ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको ऐसा मानते हैं कि आपका होना इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। ओके, इनकी एनर्जी ऐसा है कि अब चीज़ें मेरी बस में नहीं रही, अब मैं दुआ के अलावा, यूनिवर्स से प्रेयर के अलावा कुछ नहीं मांग सकता, कुछ नहीं मांग सकती, ये इस पर्सन की फीलिंग्स हैं। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया है पर चीज़ें मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में है तो बस प्रेयर करना, गॉड से मांगना कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ, यानी कि आपको इस रिश्ते को सही करना, ये इस पर्सन चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, आपको, आपके साथ को, यही कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, बिल्कुल आपका प्यार चाहिए इस पर्सन को, आप चाहिए इस पर्सन को, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपको, ठीक है, और ख़ुद को दिखाना भी चाहते हैं कि ये पर्सन कैसे हैं आपके लिए, इस पर्सन की एनर्जी, थॉट्स, इमोशंस क्या है आपके लिए, इंटेंशंस क्या है, इनके ट्रू फीलिंग्स क्या है, ये चाहते हैं कि आप इनको समझो। ओके, बिना कहे आप बस जान लो, ये इस पर्सन का थॉट्स है। किस ओर जा रहा है आपका कनेक्शन, क्या होने वाला है आपके रिश्ते में आके, आपके कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, लेटिंग गो। ओके, एट नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो आप एट नंबर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, आप दोनों के बीच कंटिन्यूसली लड़ाई चल रहा है, फाइट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लेट गो करने की ज़रूरत है, या तो किसी एक पर्सन ने ऑलरेडी लेट गो कर दिए हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। ओके, अगर यहाँ पर आपके पर्सन ने लेट गो कर दिया है तो आपको भी साइलेंट हो जाने की ज़रूरत है, बस खामोश रहने की ज़रूरत है, कि मत शिकायत कीजिए कि इन्होंने क्या किया है, फाइट वाले एनर्जी में बताइए, हो सकता है आप दोनों के बीच फाइट हुआ है रिसेंटली, कुछ वक्त पहले। ओके, या तो आप काफ़ी नाराज़ हो इस पर्सन से, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी नाराज़ हो, खफा हो, गुस्सा हो, लड़ने वाले मूड में हो, कोई एक पर्सन चाहता है कि ये जो फाइट है वो सुलझ जाए। ओके, कोई एक पर्सन यहाँ पर लेट गो कर रहा है,
फोकस कैरियर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई एक पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए लव लाइफ में। किसी एक पर्सन का फोकस कैरियर पर है, मनी पर है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर है, ओके, और कोई एक पर्सन का फोकस लव पर है। तो दोनों अगर सेम एनर्जी में रहोगे तभी मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। किसी एक के चाहने से तो नहीं होने वाला ना। अगर ये पर्सन फोकस मनी पर कैरियर पर कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। अगर इन्होंने लेट गो कर दिया है तो आप क्यों वेट कर रहे हो, ये तो जा चुके हैं, ओके। फाइट ऑलरेडी आप दोनों के बीच हो चुके हैं और काफ़ी वक्त हो गया आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, ओके। 17 मंथ्स हो गया है, 17 डेज हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया है, ईयर्स हो गया है कुछ लोगों के लिए, 8 मंथ्स हो गया है, 8 मंथ्स, 1 मंथ, इससे ज़्यादा 1 ईयर। तो आपको समझने की ज़रूरत है इस पर्सन ने लेट गो कर लिया है, ओके। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे पर्सन को जो कि आपसे लेट गो करना चाहता है, ओके, जो ऑलरेडी लेट गो कर दिया है जिन्होंने, आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो एक सही पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, ओके, जो आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। ऐसे को क्यों मैनिफेस्ट करना जो आपको अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं, क्यों ऐसे पर्सन के साथ ज़बरदस्ती रहना जो आपका साथ ही नहीं चाहते हैं, है ना। मैनिफेस्ट किया करना ही है तो सही पर्सन को कीजिए कि आपको आपका ट्रू लव मिले, जो आपसे ट्रूली लव करे, जो आपके हों, ओके, जिनका इमोशंस आपके लिए ट्रू हो, सच्चा हो। तो यह है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर।